हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2.5 पाव की रजाई किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की। तो 2.5 पाव की रजाई जयपुरी रजाई को बोलते हैं। इसे महज 625 ग्राम रुई से बनाया जा सकता है। दरअसल ये रजाई अपनी खास रुई और खास कपड़े की वजह से चर्चा में रहती है। इसकी रुई काफ़ी हल्की होती है और इस वजह से यह वजन में काफ़ी हल्की होती है। इसमें रजाई का वजन 250 ग्राम से 625 ग्राम तक ही रहता है और इतनी हल्की होने के बाद भी यह काफ़ी गर्म रहती है। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये थे विनय सिंह। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर राजस्थान में स्थित है। अलवर के सिटी पैलेस के बाहर स्थित मूसी महारानी की छतरी अलवर के शासक महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की याद में विनय सिंह जो कि उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा 1815 में करवाई गई थी। और इस खूबसूरत स्मारक में राजा और रानी की कब्र स्थित हैं और ये पूरी छतरी लाल बलुआ पत्थरों के स्तंभों पर टिकी हुई है। सफ़ेद संगमरमर एवं लाल पत्थर से निर्मित इस छतरी की ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। भारत की मैरिनो किस पशु की नस्लों को कहा जाता है? तो ये एक भेड़ की नस्ल है, चोकला नस्ल, उसको भारत की मैरिनो कहा जाता है। मैरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल है जिससे अच्छी ऊन प्राप्त होती है और इसे गोल्डन फुटेड शीप भी कहा जाता है। तो चोकला भेड़ को भारत और राजस्थान में सबसे अच्छी ऊन देने वाली मानी जाती है, इसलिए चोकला भेड़ को भारत की मैरिनो कहा जाता है। यह भेड़ प्रतिवर्ष 1 से 1.5 किलोग्राम तक ऊन देती है। इस नस्ल की भेड़ से प्राप्त की गई ऊन मुलायम और उत्तम कोटि की होती है। चोकला भेड़ राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर में पाई जाती है। इन्हें छापर भेड़ या शेखावाटी भेड़ भी कहा जाता है। 20वीं पशुगणना जो कि 2017 से 2019 तक चली थी, उसके अनुसार संख्या की दृष्टि से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटक के बाद चौथा सर्वाधिक भेड़ों वाला राज्य है। और गत गणना के अनुसार इस बार 12.9% की कमी आई थी भेड़ों में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में सबसे अधिक भेड़ पाई जाती है, तो बांसवाड़ा जिले में सबसे कम भेड़ पाई जाती है। भेड़ों की कुछ अन्य नस्लें भी हैं जैसे मगरा। मगरा भेड़ की ऊन से कालीन बनाई जाती है। मारवाड़ी भेड़ नस्ल की भेड़, यह सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल मानी जाती है। जैसलमेरी नस्ल की भेड़ सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ और सबसे लंबी ऊन भी जैसलमेरी भेड़ की होती है। खैरी नस्ल की भेड़ जो है सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी तरीके से कुछ अन्य नस्लें हैं जैसे कि सोनारी, पूगल और नाली। इनके लिए विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं जैसे कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो कि टोंक जिला में है और इसकी स्थापना 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। प्रजनन केंद्र फतेहपुर और बाकलिया में है। ऊन विकास केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये है झुंझुनू में। तो राजस्थान में अब तक 2 सैनिक स्कूल हैं। पहला चित्तौड़गढ़ में था, दूसरा झुंझुनू में है और तीसरा अलवर में बनने वाला है। भारत में इस समय तक 33 सैनिक स्कूल हैं जिसमें विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। सैनिक स्कूल बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि रक्षा मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत सैनिक सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं। पहली बार 1961 में बीके कृष्ण मेनन ने शुरू किया था जो कि उस समय भारत के तीसरे रक्षा मंत्री थे। और वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं श्रीमान राजनाथ सिंह। और इनको निर्माण करने का मकसद यही था कि बच्चों को NDA में अकादमिकता और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके लिए तैयार करना और शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना। पहले तक सैनिक स्कूलों में केवल पुरुष विद्यार्थी ही दाखिल हो सकते थे, लेकिन अब लड़कियों को भी सैनिक स्कूलों में प्रवेश मिल सकता है। और इसमें दाखिला लेने के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। उसके माध्यम से ही 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है?
तो जसवंत थड़ा को बोला जाता है। यह खूबसूरत संरचना राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जो जसवंत थड़ा के नाम से जानी जाती है। संगमरमर की बनी हुई एक स्मारक है, जिसकी खूबसूरती को देखकर ही इसे मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसके निर्माण में शुद्ध संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और जसवंत थड़ा का नाम यहाँ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया था। इस स्मारक का निर्माण उनके पुत्र महाराजा सदर सिंह के द्वारा 1899 में करवाया गया था। इस स्मारक के निर्माण में न सिर्फ बल्कि सफ़ेद मार्बल बल्कि यहाँ पे लाल रंग का भी अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इसके अंदर प्रारंभिक शासकों से जुड़ी कुछ चित्रकारियाँ भी देखने को मिलती हैं। कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, शेखावटी का ताजमहल बोला जाता है, खेतड़ी महल जो कि झुंझुनू में है, छोटा ताजमहल अवली मीणी का महल, कांठल का ताजमहल कागाजी की दरगाह, राजस्थान का दूसरा ताजमहल राय मलोत का थड़ा, वस्त्र ताजमहल लालडेरा को बोला जाता है। ग्रेनाइट सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है जालौर को। जालौर राजस्थान राज्य का एक जिला है जो कि जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है और यह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और 3 जिलों से घिरा हुआ है, बाड़मेर, सिरोही, पाली तथा इसका पड़ोसी राज्य गुजरात है। और इसके जो प्राचीन नेम है वो है स्वर्णनगरी, ग्रेनाइट सिटी और जाबलीपुर। तो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जालौर का प्राचीन नाम स्वर्णगिरी पड़ा। महर्षि जाबली की तपोभूमि के कारण इसे जाबलीपुर कहा गया और राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन इसी जिले से होता है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी भी बोला जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ग्रेनाइट की करीब 1200 इकाइयाँ हैं तथा यहाँ पे जो ग्रेनाइट मिलता है अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पहाड़ों से मिलता है और इन पहाड़ों में जिप्सम की भी प्रचुर मात्रा मिलती है। और जालौर के बारे में देखें तो जालौर में न्यूनतम साक्षरता दर में जालौर की है। देश का पहला भालू अभ्यारण्य भी जालौर में स्थित है। जीरा और ईसब गोल के उत्पादन में भी जालौर प्रथम स्थान पे है। और जालौर का जो दुर्ग है वो सबसे राजस्थान के सबसे ऊंचे 3 दुर्गों में शामिल है, जो कि सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर खैराबाद नाम रखा था? तो ये था सिवाणा दुर्ग। ये बाड़मेर जिले में 56 की पहाड़ी पर स्थित है और इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार ने करवाया था, जो कि राजा भोज का पुत्र था। कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं और यह दुर्ग गिरी और बन दोनों श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग को जोधपुर राजाओं की शरण स्थली भी बोला जाता है। वे दुर्ग जो पहाड़ पर स्थित होते हैं वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं और वे दुर्ग जिनके चारों ओर बन पाए जाते हैं वे बन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इस दुर्ग में 2 साके हुए थे। साके क्या होते हैं? जब यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध प्रथा है, जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो राजा सेनापति और सभी सैनिक केसर या साफा पहनकर सिर पर मरने मारने के उद्देश्य से युद्ध में कूद पड़ते थे और महिला युद्ध के बाद होने वाले अत्याचारों से बचने के लिए और अपनी पवित्रता कायम रखने हेतु जलती चिताओं में कूद पड़ती थी, जिसे इतिहास में जौहर के नाम से जाना जाता है। तो इस संपूर्ण घटना को साका कहते हैं। तो इस दुर्ग में 2 साके हुए थे। पहला 1308 में हुआ था सिवाणा दुर्ग पर। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर लिया था। तब सिवाणा का शासक कानड़ देव का भतीजा शीतल देव था और इस युद्ध में शीतल देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के उपरांत सिवाणा दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया। दूसरा साका 1565 ईस्वी में हुआ था। सिवाणा दुर्ग रायमल के पुत्र कल्याणमल, जो कि कल्ला के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी वीरता के लिए प्रसिद्ध था और जिसने अकबर की नाराजगी के चलते उदय सिंह की सेना से युद्ध किया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो राजस्थान में दुर्गों की कुछ प्रमुख श्रेणियां भी हैं, जैसे कि जल दुर्ग। तो वे दुर्ग जिसके चारों ओर पानी ही पानी होता है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। गिरी दुर्ग, वे दुर्ग जो पहाड़ पर स्थित होते हैं। तो पहाड़ पर जो ये किले स्थित होते हैं तो ये अंदर बैठी सेना ऊपर से शत्रु को देख सकती है, लेकिन जो बाहर जो सेना है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो इसलिए जो गिरी दुर्ग है उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और स्थिति और बनावट की दृष्टि से राजस्थान के गिरी दुर्ग में चित्तौड़गढ़ दुर्ग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर आता है बन दुर्ग, जिसके चारों ओर बन हो। फिर आता है एरन दुर्ग, जिसका रास्ता कंटीली झाड़ियों और पत्थरों से दुर्गम हो। पारिख दुर्ग, जिसके चारों ओर खाई हो। सैन्य दुर्ग,
जिसके चारों ओर सैनिकों का पहरा हो। सहाय दुर्ग, जो दुर्ग राजे रजवाड़े की सहायता के लिए बनाए गए हो। धानवन दुर्ग, जो मरुस्थल से निर्मित हो। और पारित दुर्ग, जो जिसके पूर्णतः ईंट पिट्ठी मिट्टी और पत्थरों से निर्मित हो। कौन से बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा गया? तो ये है जवाई बांध, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो यह राजस्थान में लूणी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर पाली के सुमेरपुर तहसील में स्थित है। और यह जवाई नदी जो है बेसिकली उदयपुर से इसका उद्गम होता है, और यह पाली जालौर में बहती हुई बाड़मेर में लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। तो इस बांध का निर्माण जोधपुर के लिए हुआ था, और इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने 1946 में इसकी नींव रखी थी, और रियासत के ही इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में 1956 में इसका काम पूर्ण हुआ था। तो बांध का निर्माण कार्य करीब 11 वर्ष तक चला था। तो जोधपुर में उस समय पानी का भयंकर संकट हो गया था, तो पानी का अन्य कोई स्रोत ना होने के कारण इस बांध का निर्माण करवाया गया था। और बांध का निर्माण पूरा होने के बाद जोधपुर को यहीं से पानी की आपूर्ति होती थी, इसलिए इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा गया। लेकिन बाद में जोधपुर के लिए अन्य स्रोत विकसित कर दिए गए, और जवाई बांध का पानी जालौर, पाली और सिरोही को मिलने लगा। वर्तमान में ये जालौर और पाली की लाइफलाइन बोल सकते हैं। जवाई बांध में पानी की आवक उदयपुर जिले के स्टेई बांध से होती है, जो पिंडवाड़ा के पास स्थित है। तो वहाँ से यहाँ तक पानी लाने के लिए एक सुरंग बनाई गई है 6.7 किलोमीटर लंबी, और इसके जरिए ही इसमें पानी पहुँचता है। डी आकार में ये सुरंग बनी हुई है, जो कि 12 फीट चौड़ी है, जो कि सेई बांध से शुरू होती है और कालीबोर के पास खुलती है। फिर आगे नदी के माध्यम से इसका पानी जवाई बांध में पहुँचाया जाता है। जवाई बांध को भरने के लिए सुरंग का निर्माण राज्य सरकार ने वर्ष 1977 में करवाया था, और जवाई बांध की जो भराव क्षमता है वो है 312 मीटर। संप सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी या गोविंद गुरु भारत के एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने राजस्थान तथा गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भगत आंदोलन चलाया। इनका जन्म डूंगरपुर जिले के बसिया गांव में गोवारिया जाति के एक बंजारा परिवार में हुआ था, और बचपन से ही इनकी रुचि शिक्षा के साथ अध्यात्म में भी थी। महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इन्होंने अपना जीवन देश, धर्म और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब भारत की आज़ादी के लिए हर कोई व्यक्ति अपने ढंग से योगदान दे रहा था, तब अशिक्षा और अभावों के चलते जो आदिवासी थे उनमें धार्मिक चेतना की चिंगारी से आज़ादी की अलग जगाने का काम किया था गोविंद गुरु ने। तो गोविंद गुरु ने गीत गाया करते थे ढोल मंजीरों की ताल पर, और उनको आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे। तो गोविंद गुरु ने आदिवासियों को संगठित करने के लिए 1883 में डूंगरपुर में संप सभा की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। गोविंद गुरु के जो अनुयायी थे उनको भगत कहा जाता था, इसलिए इसे भगत आंदोलन भी कहते थे। और संप सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो उनकी कुछ शिक्षाएं थीं, जैसे कि रोजाना स्नान करना, यज्ञ व हवन करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, चोरी लूटपाट नहीं करना, खेती मजदूरी से परिवार का पालन करना, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल खोलना, अन्याय नहीं सहना, अन्याय का मुकाबला करना, बेगार नहीं देना, और स्वदेशी को अपनाना, जैसे सूत्र थे जो गांव गांव में इन्होंने प्रचार प्रसार किए। तो कुछ ही समय में लाखों लोग उनके भक्त बन गए, और प्रतिवर्ष माघ शीश पूर्णिमा को सभा का वार्षिक मेला होता था, जिसमें लोग हवन करते हुए घी नारियल की आहुति देते थे, और सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की चर्चा होती थी। तो इससे जो बांगड़ का ये आदिवासी क्षेत्र है वो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार और स्थानीय सामंतों की विरोध की आग में सुलगने लगा। फिर जब 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक मेला होने वाला था, तब उस टाइम पर प्रशासन ने पहाड़ी को घेरकर मशीन गन और तोपे लगाकर गोलीबारी प्रारंभ कर दी, जिससे हजारों लोग मारे गए, और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, तो ये है 13 ताली नृत्य। ये कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है।
कामर जाति की स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करती हैं तथा पुरुष रामदेव और हिंगलाज माता के भजन गाते हैं और चौतारा ढोलक व ताल वादन करते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है और इसमें 9 मंजीरे दाहिने पैर में, 2 मंजीरे कोहनी में और 2 मंजीरे हाथ में पहने जाते हैं और इसमें नर्तकी अपने मुंह में तलवार या कटार दबाकर भी नृत्य को करती हैं जो कि हिंगलाज माता का प्रतीक है। तो मेवाड़, बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्रों की जो कामड़ जाति हैं उनमें ये 13 ताली नृत्य का प्रचलन है और मांगीवाई, नारायणी व मोहनी इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।